हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल रितु एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग रोमन नंबर देखेंगे। ठीक, रोमन नंबर का फुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कभी भी हमारे रोमन नंबर गलत ना हो। ठीक, इसके लिए क्या है, हमारे 6 कॉन्सेप्ट है। जो ये 6 कॉन्सेप्ट है, ये सारे बच्चों को क्या है कि टंग पर लर्न होने चाहिए, तभी आपके रोमन नंबर बिल्कुल सही हो पाएंगे। ठीक, तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है M I X C रिपीटेड 3 times। इसका मतलब होता है कि M को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, I को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, X को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, C को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। M का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। I का मतलब क्या होता है, 1 होता है। X का मतलब क्या होता है, 10 होता है। C का मतलब 100 होता है। ठीक, हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि 550 और 500 नॉट रिपीटेड। क्या है कि 5 को, 50 को और 500 को रिपीट नहीं करते हैं। 5 से क्या होता है, V, 50 का होता है L और 500 का होता है D, इसको हम रिपीट नहीं करते हैं। कहीं पर भी आपको रोमन नंबर पे वी नहीं मिलेगा, एल नहीं मिलेगा, डी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि 5 को, 50 को, 500 को, मतलब वी को, एल को, डी को रिपीट नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट रिपीटेड। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है कि डी एम से क्या होता है, डी एम और सी एम। डी एम का मतलब डी से होता है 500, एम से होता है 1000 और सी एम से क्या होता है, 900 होता है। ठीक, अब हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है कि एक्सेल। एक्सेल क्या है, 40 होता है। जस्ट इसका हम क्या कर दें, अपोजिट कर दें, यहाँ पर एल कर दें और यहाँ पर एक्स कर दें। मतलब कि जो एक्स है, एक्स की जगह पर हम एल कर दें और एल की जगह पर हम एक्स ले आए तो एल एक्स हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक्सेल क्या है, 40 है और एल एक्स क्या है, 60 है। ठीक, इसके बाद में क्या है, एक्स सी। एक्स सी क्या है, 90 होता है और सी डी क्या होता है, 400 होता है। में तो वी बार का मतलब भी क्या होता है, 5 × 1000 या 5000। एम बार का मतलब क्या होता है, एम से 1000 होता है और इंटू बार की जगह पे इंटू 1000 लिख देंगे तो ये हमारा 1000000 आ जाएगा। ठीक, अब इन कॉन्सेप्ट को हम लर्न कैसे करेंगे, वैसे हम क्या भूल सकते हैं, तो इसको लर्न करने के लिए क्या है कि कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे हम इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से अपनी टंग पर बिल्कुल लर्न कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि एम आई एक्स सी, अगर हम इन सारे को क्या करके मिक्स करके लिख दें, इन सारे को क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिक्सी। क्या हो जाएगा, मिक्सी। मिक्सी जो हमारे कहाँ पर होती है, घर पर होती है, जिससे हम किसी चीज को ग्राइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो वही कौन होती है, मिक्सी। अगर हम मिक्सी में किसी चीज को क्या करें, 3 times उसको ग्राइंड कर देंगे, कितने टाइम्स, 3 times उसको अगर हम ग्राइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगी कि वो जो हमारी चीज निकलेगी, वो जो हमें पेस्ट प्राप्त होगा, वो बहुत ही स्मूथ और अच्छा प्राप्त होगा। ठीक, तो ये क्या है, मिक्सी। मिक्सी पे हमें कितने टाइम्स रिपीट करनी है, 3 times रिपीट करनी है। ओके, ठीक, फिर उसके बाद में कौन आता है, 550 500 नॉट रिपीटेड। इसका मतलब क्या है कि वी नॉट रिपीटेड होगा, कहीं पर भी हम वी नहीं लिखेंगे। ठीक, कहीं पर भी हम एल नहीं लिखेंगे, कहीं पर भी हम डी नहीं लिखेंगे। ठीक, वही है। अब हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है, थर्ड कॉन्सेप्ट है डी एम और सी एम। अगर हम इन सबको क्या कर दें, मिक्स करके लिख दें, तो यहाँ पर हमारे कौन हो जाएंगे, डीएम हो जाएंगे, डीएम साहब। ठीक, और एक कौन हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे। ठीक, डीएम का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर। ठीक, तो इसके बाद में क्या है कि अगर हम डीएम के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे और हमसे बोलेंगे सर ये हमारा काम है प्लीज कर दीजिए, तो वहां पर क्या है कि हमारे 500 या 1000 मतलब हमारे 500 और 1000 रुपए तो खर्च होने ही है ना, वहां पे कितने रुपए, 500 और 1000 रुपए खर्च तो होने ही है, बट हमें क्या है कि हम श्योर नहीं होंगे कि यहाँ पर हमारा काम हो पाएगा। ठीक, बट क्या है, सीएम के पास हम जाएंगे, किसके पास, सीएम के पास जाएंगे,
तो हमारे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, कितने 900 रुपए खर्च होंगे, बट क्या है कि हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो वहां पर क्या है, यहाँ से हमारे कितने रुपए बच गए, हमारे यहाँ से 100 रुपीज बच गए और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक, तो क्या है कि डीएम के पास जाएंगे तो हमारे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, या तो 500 खर्च हो जाएंगे या 1000 खर्च हो जाएंगे, बट हम क्या है, हम श्योर नहीं होंगे कि हमारा काम होगा या नहीं होगा। ठीक, बट क्या है, सीएम के पास जाएंगे तो हमारे 900 खर्च होंगे, हम श्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि डीएम, डी से क्या है 500 और एम से क्या है, एम से है 1000 और सीएम से क्या है, सीएम से है 900, सीएम से क्या है 900। ओके, अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक्सेल। एक्सेल क्या है, एक्सेल है 40 और एल एक्स है 60। तो एक्सेल का मतलब क्या होता है, एक्सेल आपने सुना होगा ज्यादातर ये यूज हम अपने कपड़ों पे करते हैं। ठीक, ये साइज में आते हैं, एक्सेल होता है, डबल एक्सेल होता है, ये कपड़ों पे आता है तो ज्यादातर एक्सेल ही होता है। तो यहाँ पर एक्सेल पे क्या है 40, एक्सेल से क्या होता है 40। अगर जस्ट इसका हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एलएक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलएक्स हो जाएगा। तो एलएक्स से कौन आएगा, 60 आएगा। ठीक, इसके बाद में क्या है, एक्स सी और यहाँ पर सी डी। तो यहाँ पर क्या है कि दो फ्रेंड है, क्या है, दो फ्रेंड है। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या है कि दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड में से उसका एक फ्रेंड जो है वो क्या लेके आया, सीडी लेके आया, किसके लिए, पिक्चर देखने के लिए। ठीक, वो सीडी लेके आया है क्या देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए। तो उसका दूसरा फ्रेंड कह रहा है, उसने अपने फ्रेंड को सीडी दिखाई कि देखो मेरी सीडी देखो, तो उसने कहा कि ऐसी सीडी लाए, क्या बोला वो, ऐसी सीडी, ऐसी सीडी लाए। ठीक, तुम ऐसी सीडी लाए कितने रुपए की, 400 रुपए की, और मैं कितने की लाया, मैं 90 की लाया। तो मैं ऐसी सीडी 90 की लाया और तुम कितने की लेके आए, 400 की। तो ऐसी का मतलब क्या होता है, ऐसी, ऐसी का मतलब एक्स सी, एक्स, ऐसी का मतलब क्या है, एक्स सी, एक्स सी का मतलब क्या है, 90। मैं ऐसी सीडी कितने, 90 रुपए की लेके आया और सीडी, और तुम कितने की लेके आए, तुम 400 रुपए की लेके आए। ठीक, तुम क्या हो गए, तुमको उसने ठग लिया, तुमको उसने महंगा दिया। मैं ऐसी सीडी, एक्स सी, ऐसी सीडी कितने की लाया, 90 की लाया और तुम कितने की लेके आए, तुम 400 रुपए की लेके आए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एक्स सी का मतलब क्या है, 90 है, और सी डी का मतलब क्या है, सी डी का मतलब है 400। ठीक, अब इसके बाद में वी बार, जो ये बार लगा हुआ है, बार का मतलब होता है इंटू 1000। बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है इंटू 1000। तो आपको जहां कहीं पर भी आपको बार दिखेगा और नीचे कोई रोमन नंबर लिखा होगा, उसका मतलब यही होगा, इंटू 1000। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये आई वी से क्या बनता है, आई वी से 4 बनता है। 4 पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 लिखा है, इंटू 10 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5000 आएगा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, एम से क्या होता है, एम से 1000 होता है, 1000 पे इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, ये किसका है, बार का है। ठीक, करेंगे तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 लाख आ जाएगा। ठीक, ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार इसको रिपीट करके वीडियो देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब इन कॉन्सेप्ट का जो यूज होता है वो हम इन रोमन नंबर को लिखने पे करते हैं। कहाँ पर करते हैं, रोमन नंबर पे लिखने पे। ठीक, जो ये 1 से 10 तक रोमन नंबर होते हैं नॉर्मली सबको आते हैं, जिसको ना आता हो वो अपना वही लर्न कर ले। ठीक, तो यहाँ पर कौन है कि 1 से क्या बनता है, एक आई, और 2 से डबल आई, 3 से ट्रिपल आई, 4 से आई वी, और 5 से क्या होता है, वी, और 6 से वी आई, 7 से वी डबल आई, और 8 से वी ट्रिपल आई, और 9 से आई एक्स। ये थोड़ा सा टफ होता है, कंफ्यूज भी करता है। ठीक, इसको अच्छे से देखिएगा, 9 का मतलब आई एक्स होता है, 9 आई एक्स होता है, और यहाँ पर अगर हम जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, एक्स आई कर देंगे, तो ये 11 हो जाता है। क्या हो जाता है, ये 11 हो जाता है। 9 का क्या होता है, आई एक्स होता है, अगर हम इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एक्स आई। ठीक, एक्स से कौन होता है, 10 होता है। अब यहाँ पर हमें देखना है 20,
20 पे क्या कर देंगे, x x x x मतलब 10 प्लस 10 20, तो यहाँ पे x से 10, x से 10 क्या हो जाएगा, x x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 30, 30 पे ट्रिपल बार हमें 10 10 10 ऐड करना है, तो x x x क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट पे हमारे कहाँ पर फिट बैठ रहा है, यहाँ पर कि जो x है वो 3 टाइम रिपीट होगा, कि जो x है वो 3 टाइम रिपीट होगा, और यहाँ पर हो भी रहा है x डबल x और ट्रिपल x, ठीक। बट फोर्थ बार x नहीं लिखा है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कहता ही नहीं है कि तुम 4 बार लिखो, क्या बोलता है कि 3 बार लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने लर्न कर लिया है एक्सएल क्या है 40 है, एल क्या है 50 है, ये भी लर्न कर लिया है 50, एल क्या है 50 है, फिर इसके बाद में एल एक्स क्या हो जाएगा 60 है, ये भी लर्न हो गया। यहाँ पर 70, 70 क्या होता है एल एक्स एक्स, तो जो ये हमारा 50 था इसमें हमने 50 पे क्या किया 10 ऐड कर दिया तो 60 हो गया, तो ये एल एक्स हो गया। अब 70 था, 70 में 50 प्लस 10 प्लस 10, अगर जो 60 था उसमें 10 ऐड कर दिया 70 आ गया, तो एल डबल एक्स। फिर से देखिए x कितने बार रिपीट करना है, 3 टाइम्स, नॉट 4th टाइम्स, ना 5 टाइम्स, ना 6 टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स, ठीक। तो 1 2 3, यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो गया ना, यहाँ पे क्या है ये लिखा है l ट्रिपल x, l ट्रिपल x, ठीक। तो ये हो गया 80। अब इसके बाद 4th टाइम पर 4th x नहीं लिखे है, यहाँ पर क्या है 90, 90 का मतलब क्या है xc का मतलब क्या है, xc मतलब ऐसी ऐसी cd क्या था हमारा, cd था 400, cd क्या था 400 था, और xc क्या था 90 था, ठीक। ऐसी सीडी मैं कितने की लाया, 90 की लाया, और तुम 400 की लाए हो, ठीक। तो यहाँ पे एक्स सी क्या है 90, सी क्या होता है सी 100 होता है सी, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है सी 100। अब यहाँ से देखिए कि सी को कितने बार रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स, सी सी क्या हो जाएगा 200, सी ट्रिपल सी क्या हो जाएगा 300। अब फोर्थ सी नहीं होता है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कहता ही नहीं है कि तुम फोर्थ बार लिखो, कितने बार बोलता है 3 बार लिखो। इसके बाद हमारा क्या है सीडी, सीडी हम लोग लर्न कर चुके हैं कि 400 में क्या होता है सीडी होता है, डी क्या होता है 500 होता है, ये भी लर्न है डी क्या है 500 होता है। अब इसके बाद में क्या करना है डीसी, डीसी क्या हो जाएगा 600, कैसे 500 पे अगर हम कितना ऐड करते हैं 100 ऐड करते हैं, 600 होता है, तो 500 का डी और सी का 100, तो ये क्या हो गया डीसी, DC बराबर क्या हो जाएगा 600। इसी तरीके से डी डबल सी 700, डी ट्रिपल सी 800, ठीक। अब इसके बाद में फोर्थ बार करना ही नहीं है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स हो गया। अब इसके बाद में हमारे सीएम साहब यहाँ, यहाँ पर सीएम साहब कहाँ गए, ये हमारे सीएम साहब है क्या है 900 पे, 900 पे कौन है सीएम, एम से कौन है 1000 होता है, एम से कहाँ है, एम कहाँ गया ये, एम से क्या होता है 1000, एम का मतलब क्या है 1000, एम से 1000। अब जो हमारा एम है वो 3 टाइम्स रिपीट होगा, तो यहाँ पर एम एम एम, ये ट्रिपल एम है तो 3000 हो जाएगा, एम एम है तो 2000 होगा। अब इसके बाद में क्या है कि 3000 के बाद 4000 को हम फोर्थ बार एम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा, हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि m 3 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि i v लिख देंगे हम, इसका फोर्थ का i v लिख देंगे, जस्ट इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, क्योंकि बार का मतलब ही होता है इंटू 1000, तो ये क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 4000 हो गया। अब इसके बाद में V पे बार लगा देंगे, V का मतलब 5 और बार का मतलब क्या होता है कि इंटू 1000, तो 5000 हो जाएगा। इसी तरीके से 6000 पे, 7000 पे, 8000 पे 8 लिखेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक। इसी तरीके से IX लिखेंगे, 9 का IX होता है, उस पर बार लगा देंगे तो 9000 हो जाएगा। और इसके बाद ये हमारा लिखा है 10000, 10000 पे 10 का क्या बना देंगे, x बना देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 10000 होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू। बाकी इसके क्वेश्चंस आपको कल वीडियो में मिल जाएंगे।